नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका पालमिस्ट्री ज्ञान चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि हाथ में कैसे विष्णु चिन्ह बनता है। जैसे कि आप हम सभी जानते हैं हमारे हाथ में बहुत सारी लकीरें होती है और इन्हीं लकीरों के द्वारा कुछ शुभ चिन्ह बन जाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखें, इस वीडियो के माध्यम से आपको एक नई और रोचक जानकारी मिलने वाली। और इसके पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब से नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और ये विषय अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। तो सबसे पहले अपने हाथ की तीन मुख्य रेखाओं को देखते हैं। सबसे पहले हमारी ये जीवन रेखा। जीवन रेखा हमारे जीवन के होने वाले एक एक घटनाक्रम के बारे में बताती है, और इसी प्रकार से हमारी मस्तिष्क रेखा हम किसी बात को कितने गहरे विचारों में जाते हैं उसके बारे में बताते हैं, और इसी प्रकार से हमारी ये हृदय रेखा हमारे दिल के बारे में, हमारे प्रेम प्रवाह के बारे में बताती है। तो आज इस विषय को लेकर हम एक बार फिर उपस्थित हुए हैं, विष्णु सिंबल। ऐसे लोगों को भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है, काफी शुभ साइन माना जाता है। कहते ना लोगों के कर्तव्य निष्ठा, किया गया कार्य संपूर्ण रूप से उसके जीवन में कहीं ना कहीं उसके अच्छे आचरण और सत्व मार्ग को दिखाता है। और ये जो विष्णु चिन्ह है काफी शुभ माना जाता है। कहते हैं ऐसे लोग काफी न्यायप्रिय होते हैं, लोगों की प्रति इनकी भलाई का काम करने का विश्वास इनके अंदर जागृत रहता है, और ऐसे लोग समाज में परिवर्तन करना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं। और वो सिंबल बनता कैसे है, जैसे कि हमारे हाथ में हृदय रेखा के द्वारा बनती है, ये हृदय रेखा के द्वारा बनती है ये विष्णु सिंबल। अब ये ऐसा चिन्ह विष्णु सिंबल होता है। ऐसे लोग अध्ययनशील होते हैं, समाज में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, ऐसे लोग राजनीतिक क्षेत्र में भी अच्छा करते हैं, और ऐसे लोग कभी किसी का बुरा नहीं चाहते। इनके अंदर सकारात्मक परिवर्तन होता है, लोगों को बदलना चाहते हैं, समाज के प्रति कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं, धार्मिक नेचर के होते हैं। सिंबल ही बता देता है कि ऐसे लोगों के भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है। और ऐसे लोग समाज में अपने कला के क्षेत्र में अपने ही इन्हीं अच्छे विचारों के द्वारा समाज में एक मान सम्मान की प्राप्ति करते हैं, और समाज को कुछ ऊपर उठाना चाहते हैं। कहते हैं ना कि ऐसे लोग अगर भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तो ऐसे लोग काफी शुभ फल प्रदान करते हैं, और भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है। तो दोस्तों ये रही आज की हमारी वीडियो, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, और आप सबका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।